अस्सलाम वालेकुम, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 9। वी आर कंटिन्यूइंग न्यूट्रिशन चैप्टर पार्ट नंबर 10.4, दैट इज एलिमेंट्री कैनल। वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट माउथ, दैट एलिमेंट्री कैनल इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुज डायमीटर इज मॉडिफाइड एंड वेरियस पार्ट ऑफ इट आर लाइक इट इज एन ओपन ट्यूब दैट बिगिंस फ्रॉम द माउथ कैविटी एंड एंड्स अप टिल द एनस। यानी कि एक ह्यूमन स्ट्रक्चर में, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स का यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है आपके बुक में, पेज नंबर 174 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो पूरा एलिमेंट्री सिस्टम है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से लेकर के एनस तक, यानी कि जहाँ से बॉडी से अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस एलिमिनेट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस में जब से हम लोग फूड इनटेक करते हैं, यानी खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज होता है, फिर उससे बहुत तरह का सब्सटेंस जो है वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो चीज़ बच जाता है, द अनडाइजेस्टेड थिंग्स दिस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी थ्रू एनस। तो दिस होल पार्ट इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनल। इसको एक वर्ड में बोला जाता है एलिमेंट्री कैनल। अब उसका डिफरेंट पार्ट्स है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, माउथ। इसमें अब सबसे है, पहले हम लोग देखते हैं माउथ में क्या क्या है। टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है और टीथ है। टंग का क्या काम है, इट मिक्सेस द फूड विद द सलाइवा एंड टेक्स पार्ट इन स्वॉलोइंग। टंग जो है वो माउथ के अंदर होता है, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड यानी के जो के सलाइवा, यानी जो लिक्विड मुंह में प्रेजेंट होता है हम लोग के, उस लिक्विड को बोलते हैं सलाइवा। ये क्या करता है, खाने को मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। स्वालो करना मतलब निगलना। तो खाना हम लोग कब निगल पाते हैं, जब हम लोग को खाना जो है वो नरम हो जाता है। तो टंग का काम क्या है, वो सलाइवा को खाने के साथ मिक्स करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। इट कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड टायलिन, पी साइलेंट होता है। ये सलाइवरी ग्लैंड हम लोग के जॉ के दोनों तरफ होता है और ये क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। ये सलाइवा क्या करता है, खाने को डाइजेस्टेबल बनाता है, नरम करता है। टीथ का क्या काम है, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग के मुँह में दो जॉ होता है, ऊपर और नीचे। उसमें हर जॉ में 16 टीथ होता है। ये टाइप ऑफ टीथ का नाम है, हम लोग क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं, इनसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। सो दिस टाइप्स ऑफ दिस आर प्रेजेंट इन आवर माउथ एंड वॉट इज द फंक्शन, दे मैस्टिकेट, यानी कि खाने को तोड़ता है। इट ब्रेक्स द फूड इन टू स्मॉलर फ्रेगमेंट। जैसे अगर हम लोग रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कोई हार्ड सब्सटेंस है, बिस्किट खा रहे हैं, तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, फाइन पार्टिकल्स में ग्रीन करता है, मैंने पीस देता है खाने को, मिक्स कर देता है। और उसके बाद सलाइवा के साथ मिलने से खाना जो है वो निगलने के लिए तैयार हो जाता है, मैंने वो बोलस बन जाता है। बोलस बोला जाता है सॉफ्ट फूड को। अब इसके बाद जो पोर्शन है जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, माउथ से होने के बाद क्या हुआ, टीथ, टंग, सलाइवरी ग्लैंड का काम हो गया। अब खाना जो है वो यहाँ पर नेक के पोर्शन में आता है। इस कैविटी को बोला जाता है फेरिंग्स। द कैविटी बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड द फेरिंग्स। इसको हम लोग हलक भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसमें दो पाइप होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा होता है एलिमेंट्री ट्रैक, जिससे खाना जाता है, और एक जिससे ऑक्सीजन जो है हम लोग इनहेल करते हैं वो जाता है। अब फेरिंग्स जो है वो एक ऐसा कैविटी है जिसमें दोनों तरह का पाइप है, दोनों साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। इस पोर्शन को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। एक एलिमेंट्री ट्रैक है और दूसरा रेस्पिरेटरी है, एक से खाना जाएगा और दूसरे से ऑक्सीजन जाएगा। अब जैसे कि खाना कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जो जैसे चोक हो जाना, यानी कि खाना जो है अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है, जैसे हिचकी आता है, तो उसमें क्या होता है, खाने का कुछ पार्टिकल्स अगर हवा वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है तो हम लोग को उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, चोकिंग भी हो सकता है। तो ये बोलते हैं फेरिंग्स का काम क्या है, ये एक कॉमन पैसेज है फॉर एलिमेंट्री ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट पार्ट है ओसोफेगस। ये क्या करता है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब विच इज़ अटैच विद द फेरिंग्स एंड इन ओपन इन द स्टमक। ये जो पाइप है जो कि फेरिंग से, इस पोर्शन से लेकर के स्टमक तक अटैच होता है। ये देखिए पीछे से, लीवर के पीछे से दिखाई देता है ये वाला पोर्शन, ये स्टमक है, ये स्टमक है, और इसका नाम है ओसोफेगस। इस पाइप का नाम है ओसोफेगस, जिससे खाना बोलस के फॉर्म में स्टमक तक आता है। तो स्टमक क्या है, इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा जैसे बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो बॉडी के जिस पार्ट में स्टमक प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, यानी बॉडी के उस पोर्शन में स्टमक प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट इज़, ये आप लोग के बुक में पेज नंबर 174-175 में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। इससे हम लोग सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं।
नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अ नैरो ट्यूब ऑफ 6 मीटर लॉन्ग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक एंड एंड्स इन द केकम. अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आपकी बुक में उसका डायग्राम भी बना हुआ है. ये देखिए, यहाँ स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंट पार्ट्स का नाम लिखा, एक है ड्यूडेनम, दूसरा है ईलियम. ये ड्यूडेनम और ईलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. आपकी बुक में यहाँ पेज नंबर 175 में इसका है स्टमक के बाद यहाँ ड्यूडेनम का पोर्शन दिखा रहा है. तो ये स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है उसी का पार्ट है ड्यूडेनम. दो पार्ट है, एक है ड्यूडेनम, एक का दूसरे का नाम है ईलियम. और उसमें ट्यूब्स भी होता है जिसको जेजनम बोला जाता है. तो हम लोग को सिर्फ याद रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंसिस्ट ऑफ अ नैरो ट्यूब विच इज 6 मीटर लॉन्ग एंड इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक एंड एंड्स इन द केकम. ड्यूडेनम इज इट्स पार्ट वेयर पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस मिक्सेस विद द फूड. ड्यूडेनम एक ऐसा पोर्शन है, यहाँ पर क्या होता है, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस आकर के फूड से मिक्स हो जाता है. तो उसमें जो एंजाइम है वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अनदर पार्ट इज ईलियम दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन फैट्स एंड ऑयल. जो भी फूड में प्रोटीन पार्ट है, फैट है, ऑयल है, उसको ईलियम जो है ऑर्गन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है ईलियम, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अब हम लोग जो खाना खाते हैं, जो मील खाते हैं, उसमें पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तेल है ना, वाटर, विटामिन, सब तरह का सब्सटेंस होता है. तो वो सब को डाइजेस्ट करने के बाद बॉडी हम लोग को एनर्जी बना के, मतलब हम लोग के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो उसको बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो अलग अलग पोर्शन को, मैंने फूड के पोर्शन को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है. तो नेक्स्ट पार्ट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन. ये क्या है, इट इज़ अ ब्रॉडर ट्यूब. ये एक नैरो ट्यूब था लेकिन उसका लेंथ ज़्यादा था. ये एक ब्रॉडर ट्यूब होता है कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन बट इट इज़ ऑफ ओनली 1.5 मीटर लॉन्ग एंड इट्स मेन पार्ट्स आर केकम एंड कोलोन. यहाँ पे आप लोग देखिएगा, एक बहुत ही यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है कोलोन. बहुत सा मसल्स जो है वो ट्यूब के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहा है. दिस इज वन इज कोलोन. ये कोलोन जो है उसका लास्ट पोर्शन सैक लाइक होता है, इसको केकम बोलते हैं. ये ह्यूमन बींग में इसका कोई काम जो है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है. ये क्या करता है, ये डिफरेंट काइंड ऑफ ईलियम से जुड़ा हुआ होता है, मैंने इसमें फूड और एसिड्स एब्जॉर्ब होता है और वो अनडाइजेस्टेड पार्ट को रेक्टम में जाकर के जमा कर देता है. रेक्टम क्या है, रेक्टम इज टेम्पोरली स्टोर्स स्टूल. जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है ह्यूमन बींग का, वो रेक्टम में टेम्पोरली स्टोर्स होता है. और एनस क्या है, जो सब्सटेंस, जो स्टूल है, फेसेस जिसको बोलते हैं, वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एनस के थ्रू, मैंने एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे डिफरेंट ऑर्गन से, माउथ से हम लोग जब खाना इंटेक किए, वहाँ से लेकर के खाना डाइजेस्ट हुआ, बहुत से डिफरेंट पाइप से होकर के पास हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो अब डिफरेंट स्टोर हो गया बॉडी में. अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा. जो अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है वो बॉडी से एनस के थ्रू एलिमिनेट हो गया. सो वी हैव कम्प्लीटेड टिल पेज नंबर 176. इन पेज 76 डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आर गिवन इन दिस डायग्राम. यू हैव टू लर्न दिस फंक्शन. देर इज़ वन फंक्शन फॉर ईच पोर्शन. ओसोफेगस का क्या काम है, टीथ का क्या काम है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या काम है, ये आप लोग की बुक में लिखा हुआ है. आप लोग को सिर्फ इस पोर्शन को लर्न करना है. और जो यहाँ तक दिया हुआ है आपके बुक में, इसको आप एक बार रीड कीजिएगा, आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा.